नमस्कार। कैपिक्सल द्वारा आयोजित इस अवार्ड समारोह में हमारे बीच में राज्यसभा के सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टैंड कमेटी के चेयरमैन भुवनेश्वर कलिता जी, कैपिक्सल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट श्री अशोकन जी, साउथ रीजन के प्रेसिडेंट श्री वीरामन्नी जी, वेस्टर्न के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी, विभिन्न देशों के आए एक्सलेंसी और इस एसोसिएशन से जुड़े हुए इंडस्ट्री सेक्टर, एक्सपोर्टर, ट्रेडर्स, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर काम करने वाले सभी उद्यमी, मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि आप सबके अथक प्रयासों से, परिश्रम से, नए इनोवेशन से, नई टेक्नोलॉजी से आज एक्सपोर्ट के सेक्टर के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हुई है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। कुछ संस्थाओं को, कुछ ट्रेडर्स को, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को, इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों को आज अवार्ड भी मिलेगा। मैं उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनसे प्रेरणा लेकर और इंडस्ट्री सेक्टर के लोग अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने नए सेक्टर को डेवलप करने का काम करेंगे। आपके प्रयासों से भारत में इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, वेल्थ की ग्रोथ होती है और भारत का नाम दुनिया में होता है। ये सब आपके प्रयासों से संभव हो पाया है। आज एक्सपोर्ट के अंदर जो कुछ भी प्रगति हुई है उस प्रगति में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप बड़ी इंडस्ट्री सेक्टर के लोग भी हैं, एमएसएमई सेक्टर के लोग भी हैं, सबने सामूहिकता के साथ मिलकर किस तरीके से जब दुनिया के अंदर सारा विश्व और वैश्वीकरण के युग में जब टेक्नोलॉजी हो या प्रोडक्ट हो, सब चीजों का वैश्वीकरण हो चुका है और दुनिया के अधिकतम देश ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने अपने देश के अंदर हम टेक्नोलॉजी को नया अपनाकर नए ट्रेड को, नए व्यापार को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जब दुनिया के अंदर नया बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के साथ हमें भी बदलाव करने की आवश्यकता है और इस वैश्वीकरण के इस युग के अंदर जब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे ही कोई प्रोडक्ट का इनोवेशन होता है, रिसर्च होता है, अन्य देश उस प्रोडक्ट को रिसर्च करके इनोवेशन करते हैं, लेकिन उसमें भारत की स्थिति एक अलग है। भारत ने इन कुछ देशों कुछ समय के अंदर हमारे कुशल नेतृत्व, विजनरी लीडरशिप, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश के अंदर हर सेक्टर्स के अंदर एक नई कीर्तिमान हासिल किया है। आप देखते होंगे कि राजनीति के इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें,
लीडरशिप के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस तरीके से G20 के अंदर भारत को प्रेसिडेंटी मिली और भारत ने किस तरीके से अपनी नेतृत्व क्षमता से, विलक्षण निर्णयों से, सामूहिकता के साथ वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति सारे विश्व को एक करने का प्रयास किया और हर चुनौतियों हर आपदा के अंदर वैश्विक रूप से सब देश एक साथ मिलकर लड़े, इसकी नई दिशा भारत में हुई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही। इसलिए दुनिया ने भी उन सब मुद्दों पर, उन चुनौतियों पर जो अभी है, वर्तमान में भविष्य की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक सहमति बनाई, क्योंकि हमारा प्रयास केवल एक देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए नहीं, हमने विश्व की समृद्धि खुशहाली के लिए संपूर्ण देश के साथ अपने विचारों को रखा, अपने निर्णयों को बताया और उस पर सहमति बनी। इसी तरीके से आज हम अगर इंडस्ट्री सेक्टर में देखें, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, अंतरिक्ष में, डिफेंस में, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर ने भारत में प्रगति नहीं की है। दुनिया में डेमोक्रेसी के रूप में भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी में हम सबसे बड़े हैं और डाइवर्सिटी हमारी ताकत है। आज यहां देख रहे होंगे कि अलग अलग प्रदेशों से आए, हर सेक्टर में अलग अलग इंडस्ट्रीज ने अपनी ग्रोथ की है, वहां नई टेक्नोलॉजी, बदलते परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाला है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और इसलिए हम आज कह सकते हैं कि दुनिया की प्रतिस्पर्धा के अंदर भारत की इंडस्ट्रीज प्रतिस्पर्धा रखने की ताकत रखती है। हम चाहे केमिकल, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले लें, चाहे जिस सेक्टर के अंदर, आपका सेक्टर अलग है, आपके सेक्टर में प्रिंटिंग भी है, स्टोन भी है, आपके सेक्टर के अंदर केमिकल सेक्टर भी हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में आपकी एसोसिएशन एक लंबे समय से काम कर रही है और लंबे समय से काम करने का एसोसिएशन का एक मकसद है कि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हम किस तरीके से हमारे एसोसिएशन के सदस्यों को दुनिया की बेहतर टेक्नोलॉजी, ऑटोमाइजेशन सिस्टम को डेवलप करना और मानव संसाधन को दक्ष करना। आज दुनिया के अंदर हमसे कई विकसित देश हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन का जब प्रश्न आएगा तो आने वाले समय में दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश होगा जिसके पास दक्ष और एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपर्ट मानव संसाधन मिलेगा। हम आज दुनिया की सबसे बड़ी बाजार हैं, कोई समय दुनिया हमारे बाजार का उपयोग करता था, आज बदलते परिप्रेक्ष्य में हम हमारे घरेलू आवश्यकताओं को तो पूरा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया के अंदर उन विकसित देशों के अंदर भी एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। जब एक्सपोर्ट का ग्राफ, जैसा भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि किस तरीके से हम एक्सपोर्ट का हमारा ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इस एक्सपोर्ट के ग्राफ में हम दुनिया से वैश्विक स्तर पर उनसे कंपटीशन, उनसे प्रतिस्पर्धा करने की ताकत हमारी बढ़ती जा रही है। कोई भी इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, जब दुनिया एक हो गई है तो हमें उस दुनिया के उस परिप्रेक्ष्य के अंदर अपने आप को कंपिटिटिव भी रखना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी कम करना पड़ेगा। यह हमारे सामने चुनौती है, लेकिन इस चुनौतियों को हमने समझा है, एक विजनरी लीडरशिप केस होता है, उन्होंने देखा लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर
हम अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को अगर कम कर देते हैं तो दुनिया में हम चुनौती कर पाएंगे। तो उन्होंने लॉजिस्टिक के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें किस तरीके से घरेलू भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी हम लॉजिस्टिक को कम से कम कर पाए ताकि दुनिया में कंपटीशन कर पाए। जब कभी दुनिया के अंदर जो बेहतर टेक्नोलॉजी है, समय था कि हम टेक्नोलॉजी को लेते हैं, आज भी लेते हैं, लेकिन हमने कहा कि हम टेक्नोलॉजी लेंगे लेकिन उत्पादन हमारा होगा। और आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर देख रही है, भारत में हो रही है, इससे हमारा एमएसएमई सेक्टर डेवलप होगा। आज हमारी ताकत एमएसएमई की बहुत बड़ी ताकत है। आज रोजगार की दृष्टि से देखें तो हम अधिकतम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। गरीब से गरीब गांव के नौजवान, दूर दराज के किसान मजदूर के बेटे को हम वहां पर छोटे एमएसएमई इंडस्ट्रीज के अंदर रोजगार दे रहे हैं। अभी मुझे अशोक जी बता रहे थे 10 किलोमीटर इलाके के अंदर शिवाकाशी के अंदर इंडस्ट्रीज है। ऐसे भारत के कितने सेक्टर है। हम डाइवर्सिटी की बात की ताकत इसलिए करते हैं कि हर सेक्टर के अंदर अपनी विशेषताएं हैं। कहीं पानी है, कहीं सूखा है, कहीं समुद्र है, कहीं रोड कनेक्टिविटी है, कहीं एयर कनेक्टिविटी है, कहीं रेल कनेक्टिविटी है। हम बदलते परिप्रेक्ष्य में हमारी चीजों को मार्केट में बेचने में एक्सपर्ट हो रहे हैं। आप देखिए, समय था कि योग भारत से लुप्त हो गया था, आज दुनिया के अंदर योग, भारत का योग दुनिया के अंदर जाए, किसी भी विकसित देश में जाए, अब योग के साथ जाएगी आयुर्वेद कंपनियां, वो नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी। अब आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर को हम कैसे मजबूत करेंगे, तो हमने कहा मोटा अनाज, मोटे अनाज को हम किस तरीके से दुनिया के अंदर मार्केट बनाएंगे, तो वो एक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा। ऐसे नए मार्केट डेवलप करने का काम भी भारत कर रहा है। यहां इंडस्ट्री स्टोन सेक्टर के बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब दुनिया के अंदर भारत का स्टोन दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। वीरामणि जी ने कहा कि चेन्नई में हमने स्टोन का एक म्यूजियम लगा रखा है। तो हमारे जो स्टोन हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग जिसकी अलग अलग क्वालिटीज है, उसमें केमिकल का उपयोग करते हुए जब दुनिया के अंदर उस समय करते थे, आज हमने उसको एक नया मार्केट कर लिया। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर के मार्केट को डेवलप करना, नई मांग को डेवलप करना, इस दिशा के अंदर भी भारत को काम करना पड़ेगा। और इसलिए हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, हम जब हम कहते हैं कि हम किस दिशा की ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम मजबूत हो रहे हैं, लॉजिस्टिक रूप में हम मजबूत हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भारत मजबूत हो रहा है, हम आने वाले समय में इन सब चीजों को लेंगे तो हम आर्थिक संसाधन को बदलाव लेंगे। और इसीलिए भारत की संसद ने भी समय समय पर ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, छोटी इंडस्ट्रीज के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने कई विधेयक लाए हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब बात करते हैं तो बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रेडर्स को, क्योंकि दुनिया आप चले जाए, कई देश ऐसे हैं जो ट्रेडर्स इंडस्ट्रीज लगने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, आप आइए, प्लग लगाइए, चालू करें। तो हमें भी उस दिशा की ओर जाना पड़ेगा कि हम ट्रेडर्स के लिए, हम मैन्युफैक्चरर्स के लिए, हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए क्या, राज्यों से भी मिलकर राज्य भी इसलिए प्रयास कर रहे हैं। कोई समय था जब कोई इंडस्ट्री सेक्टर को कोई राज्य बुला दी था, आज हर राज्य अपने यहां पर इंडस्ट्री प्रमोशन की काउंसिल करता है, कहता है कि हमारे यहां ये सुविधाएं, ये सुविधाएं, एक आकर्षण करने का नया सेक्टर चलाए। तो ये बदलाव भारत में हो रहा है और बदलते भारत के अंदर हम सबकी जिम्मेदारी है कि दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करें, नया इनोवेशन डेवलप करने का काम करें, नया मार्केट सेक्टर खोल। आज मैं जब दुनिया के अंदर जाता हूं तो दुनिया के अंदर आज समय मेरा दावा है कि आने वाले समय के अंदर हम केमिकल्स के अंदर भी और उसके साथ जो नई इंडस्ट्रीज हमारी टेक्सटाइल की है, नई इंडस्ट्रीज हमारी डेवलप होने वाली दवाइयों की है,
आज दुनिया के अंदर अफ्रीकन देशों में तो विशेष रूप से भारत की फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में कहा जाता है कि सबसे सस्ती और सबसे इफेक्टिव दवा है तो भारत की है। तो हमने एक पूरा अफ्रीकन कंट्रीज में, जब अफ्रीकन कंट्रीज में गया तो वहां के लोगों ने डिबेट थी कि फार्मा सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा अगर आज एक्सपोर्ट हो रहा है तो भारत से हो रहा है। मैं आपको आज कह के जा रहा हूं, आने वाले समय के अंदर मैं मेक्सिको गया, बहुत डेवलप कंट्रीज में गया, ये फार्मा सेक्टर दुनिया का अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेक्टर भारत बनेगा और इसकी बहुत संभावनाएं अभी हैं। हम कुछ केमिकल्स, कुछ चीजें अभी इंपोर्ट करते हैं, एक समय आएगा जब हम अपने यहां पर उनका उत्पादन पैदा करेंगे। जिस दिन हम यहां पर उसका उत्पादन पैदा करने हैं, दुनिया के कंपटीशन में सबसे मजबूत होंगे और हमारा सेक्टर, फार्मा का सेक्टर भी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा। आप अलग अलग रबड़ की इंडस्ट्रीज से भी आए हैं, अलग अलग केमिकल्स के जुड़ी इंडस्ट्रीज आए हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। सब कुछ आपके प्रयासों से हो रहा है, आपके कठिन परिश्रम, आपके इनोवेशन, नई सोच, नया चिंतन के कारण भारत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं, आर्थिक ताकत बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर नया रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो एक इंडस्ट्री सेक्टर का किसी देश के अंदर आर्थिक सामाजिक बदलाव में सबसे बड़ा योगदान होता है और इसीलिए इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों की जो भी समस्याएं, कठिनाई हैं, परेशानियां हैं, आप कालीजता जी को बताएं और मुझसे संपर्क करें, मैं संबंधित मंत्री से बात करूंगा। हम चाहते हैं कि उन समस्याओं का समाधान हो। ये जो डूइंग की बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल में और समस्याएं उनका समस्याएं राज्य की आवश्यकता है राज्यों में चर्चा करेंगे, केंद्र की आवश्यकता है तो केंद्र में करेंगे। लेकिन आपकी बातों को जब आपके बीच में हम आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ भी आपके विचार, आपके अनुभव, आपकी जो कठिनाइयां, चुनौतियां आती है, उन अनुभव, कठिनाइयों, चुनौती, आपदा को हम ठीक प्लेटफॉर्म पर आपकी चर्चा कराएं और किस तरीके से सेक्टर को डेवलप करने के लिए, एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए जो कुछ भी कठिनाई, चुनौतियां आती हैं उसकी सरलता कर सकें, ताकि हम और एक्सपोर्ट कर सकें और भारत की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति के अंदर आपका योगदान हमेशा है, रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।